नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस समय गोरखपुर से लाइव हूं और आने वाला जो टाइम है मैं 20th और 21st को हैदराबाद में अवेलेबल रहूंगा। जिनको भी कंसल्टेशन लेना है वो हैदराबाद के लिए और भुवनेश्वर के लिए अपने अपॉइंटमेंट्स बुक कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल जो एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है, और ये एक ऐसा वीडियो है जो आपको बहुत दिनों के बाद एक ही मंथ में 7 ग्रहों का राशि परिवर्तन, साथ में किस ग्रह का राशि परिवर्तन कब हो रहा है, और 5 महत्वपूर्ण भविष्यवाणियाँ जो होकर रहेंगी, और इसको आप सभी को नोट करना चाहिए। मैक्सिमम लगन पर इसका निगेटिव इफेक्ट ही देखने को मिलेगा, इसलिए परेशान मत होइएगा, उपाय ज़रूर बताऊंगा। लगन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा इसको आज के वीडियो पे मैं नहीं कर रहा हूँ, इसको रिकॉर्ड करके अलग से मासिक राशिफल जो होगा अप्रैल मंथ का उसमें अपलोड कर दिया जाएगा। फिलहाल 5 जो मेजर प्रेडिक्शन है उसमें सबसे पहले तो आप ये 7 अप्रैल का जो डेट है उस समय शनि और मंगल की युति ख़त्म हो जाएगी, और शनि और मंगल की युति इस समय शनि देव मकर राशि में उपस्थित हैं और साथ में मंगल भी उसी राशि में उपस्थित है, और युद्ध की स्थिति जो बनी हुई है लगातार रशिया यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है और इसमें भी और भी कंट्रीज़ के इन्वॉल्वमेंट, जैसा मैं बताया हूँ 18 मार्च के आसपास का जो डेट है इसमें एक बड़ा धमाका ज़रूर होने वाला है और रासायनिक हथियार भी इसमें निकल सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। नंबर 1, तो सबसे पहला जो परिवर्तन हो रहा है इसको आप एक एक करके नोट करते रहिएगा। 7 अप्रैल वो डेट रहेगा जब मंगल अपना राशि परिवर्तन करके शनि से थोड़ी सी दूरी बना लेंगे, और ये वो टाइम आएगा जब युद्ध की समाप्ति का संकेत आने लगेगा। युद्ध हालांकि ऐसा लग रहा था जब ये स्टार्ट हुआ था तो ऐसा सभी लोगों को फील हो रहा था कि ये युद्ध तो 3-4 दिन के अंदर, रशिया एक बहुत बड़ा पावर है तो 4-5 दिन के अंदर तो यूक्रेन को ख़त्म कर देगा, यूक्रेन रशिया के सामने कहीं पे भी स्टैंड नहीं करता है। लेकिन फिर भी देखिए आज 20वां दिन है, जहाँ तक मैं सही अगर हूँ तो 20वां दिन है और लगातार युद्ध की परिस्थितियाँ बनी हुई हैं। तो युद्ध कब ख़त्म होगा इसका सबसे पहला ऑलरेडी बताया हुआ था, 6 अप्रैल तक तो युद्ध होगा, 6 अप्रैल के बाद युद्ध समाप्ति की घोषणा ज़रूर, युद्ध विराम हो सकता है, उससे पहले हो जाए 4-5 दिन तो इससे कोई बहुत बड़ा आश्चर्यचकित नहीं होगा, क्योंकि जो प्रिडिक्शन है उसमें 10 या 5 दिन का वेरिएशन हो सकता है। ये महीना काफ़ी ख़तरनाक क्यों है अप्रैल का, ज़रा समझिएगा। एक तो मंगल देव कुंभ राशि में चले जाएंगे 7 अप्रैल को, इसके अलावा 8 अप्रैल को जस्ट अगले दिन जो है बुध का राशि परिवर्तन हो जाएगा और बुध मेष राशि में पहुंच जाएंगे, अपनी नीच राशि से निकल के मेष में पहुंच जाएंगे। इसके बाद राहु केतु का 12 को राशि परिवर्तन होगा, इसके तत्पश्चात अगले ही दिन देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन 13 अप्रैल को, और 13 अप्रैल के बाद 14 अप्रैल को सूर्य की संक्रांति होगी मेष में, 25 अप्रैल को बुध का पुनः वृष राशि में प्रवेश होगा, और 27 अप्रैल को शुक्र का मीन राशि में प्रवेश होगा। बहुत दिनों के बाद शायद आप लोगों ने सुना होगा एक के बाद इतने ग्रह एक ही मंथ में चेंज कर रहे हैं, एक के बाद एक ग्रह लगातार चेंज कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो काउंट कर लीजिए, 2 बार तो बुध का राशि परिवर्तन होना है और 2 बार लगभग, 1 बार शुक्र का राशि परिवर्तन होगा, तो शुक्र का राशि परिवर्तन राहु और केतु, इसके अलावा बृहस्पति का, शनि का, मंगल देवता का, कोई भी ग्रह बचने वाले नहीं है, सारे ग्रहों का लगभग राशि परिवर्तन होगा। और बहुत दिनों के बाद, मुझे ये याद नहीं है कि इससे पहले कभी ऐसा हुआ भी है या नहीं हुआ है, लेकिन एक माह में इतने बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन जिसमें लगभग सारे ग्रह का राशि परिवर्तन हो जा रहा, और ये महापरिवर्तन है, और इस महापरिवर्तन में क्या क्या चीज़ें होंगी, पहले तो जैसे ही ये महापरिवर्तन स्टार्ट होगा युद्ध की जो आग लगी हुई है पूरी दुनिया में, ये थोड़ा युद्ध विराम की तरफ जाएगा, ये पहला प्रेडिक्शन है। दूसरा प्रेडिक्शन जो है, भारत या भारत के पड़ोसी राज्यों में
एक प्रकार का गृह युद्ध की संभावना भी होने की ऐसे कगार पे दिखाई दे रही है। किसी ना किसी बात को लेकर ये फाइटिंग होने वाली है और ये फाइट जो रहेगा वो सरकार और पब्लिक के बीच में हो सकता है। और मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है कि इस लड़ाई झगड़ों के कारण जो एक गृह युद्ध की कंडीशन बनेगी, भारत या पड़ोसी राज्य दोनों हो सकते हैं, जिसमें भारत में भी होने की संभावना दिख रही है। वृषभ लगन की कुंडली भारत की बनती है तो मैं उसमें भी इनकार नहीं कर सकता। और जिस तरीके से आज ये मामला जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब वाला मामला छात्रों का खारिज किया गया, तो इस पर भी अभी काफ़ी लड़ाई बची हुई है। और शायद ये जो हिजाब को लेकर लोग लड़ने के मूड में पहले भी थे, वो अभी ऐसा हो सकता है। लेकिन तीसरी मेजर प्रेडिक्शन है कि कोविड का रफ्तार जो है, ऑलरेडी देखिए अब बहुत कम हो चुका है, कोविड लगभग ख़त्म हो गया है। और कोविड के ख़त्म होने की समाप्ति भी 29 अप्रैल को दिया गया था पहले। और यहाँ पर प्रतीक शर्मा जी बोल रहे हैं सर चाइना में कोरोना वापस आ गया। देखिए कोरोना वापस नहीं आया है, ये एक्चुअली में कोविड को फैलाने के लिए चाइना की एक चाल है। और जैसे पहले भी बायोलॉजिकल वार करना चाहता था, अभी युद्ध चल रहा है तो युद्ध पे मौके पे चौका लगाने के लिए ये कंडीशन हो सकता है। लेकिन निश्चिंत रहिए भारत में इसका प्रभाव एटलीस्ट मैं देख पा रहा हूँ कि इतना ज़्यादा नहीं होने वाला है और भारत में इसका प्रभाव नहीं रहेगा। लेकिन पश्चिम देशों में या यूरोप में क्या, जहां पर युद्ध की संभावना हो रही है उस जगह, क्योंकि रशिया के साथ अभी चाइना स्टैंड कर रहा है, तो बाकी के जो जगह पर है वहां पर इसकी संभावना ज्यादा बनेगी। यूरोप और पश्चिम देशों में ही, अमेरिका वगैरह में कोविड की संभावना ज्यादा आएगी। फोर्थ वेव तो आनी है, फिफ्थ वेव भी आनी है, लेकिन अभी इंटेंसिटी इसकी कम रहेगी। मतलब इसकी जो इंटेंसिटी जिसमें ज्यादा लोगों की मौत होती थी उस तरीके का नहीं रहेगा। इसके अलावा चौथी प्रेडिक्शन जो यहाँ पर आ रही है, एक बड़ा भूकंप आने की पूरी संभावना अप्रैल मंथ में, इसको नोट कर लीजिएगा। और इसका जो एग्जैक्ट डेट जो मैंने कैलकुलेट किया है वो 12 अप्रैल से लेके 28 अप्रैल के बीच का जो टाइम है, इसके बीच में आने की संभावना बहुत ज़्यादा बड़ा रहेगा। और ये एरिया मैं पुनः एक बार रिपीट कर देता हूँ, ये हिंद का जो एरिया है, अफ़गानिस्तान में जो हिंद कुश का जो एरिया पड़ता है, वहाँ से होता हुआ पाकिस्तान भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में होता हुआ जाएगा। और इसमें गुजरात पर बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन उत्तर पूर्वी और पूर्वांचल राज्यों में इसका बहुत बुरा प्रभाव देखने को मिल सकता है। ये चौथी प्रेडिक्शन है। पांचवी प्रेडिक्शन और अंतिम प्रेडिक्शन जो मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ पर जो किसी नए प्रकार के साइबर अटैक का होना, किसी नए प्रकार के, हमारे देश की ही बात कर लिया जाए तो कई राज्यों में सत्ता के उठापटक होने की भी संभावना ज़्यादा हो सकता है। और मेनली अगर देखा जाए तो जैसे क्रूड ऑयल की बात मैंने किया था, शेयर मार्केट की बात किया था, इसमें बहुत तगड़ा ये फ्लक्चुएट करेगा, बहुत ही तगड़ा इसके अंदर फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। और इस महीने भी आपको शेयर मार्केट से दूरी बनाकर रख लेनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये एक महापरिवर्तन की शुरुआत है। प्रत्येक लग्न पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, निश्चित रूप से आपको इसका मासिक राशिफल मेरे द्वारा आपको मिल जाएगा। और ये मासिक राशिफल कस्टमाइज भी आपको मिलेगा। और एक ट्रांजिशन में जो इसका इफेक्ट पड़ेगा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों पर, उसका भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। तो ये एक 5 मेजर भविष्यवाणी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, पुनः एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ मैंने क्या क्या चीज़ बोला हुआ है। युद्ध विराम की घोषणा भी इसी मंथ के अंदर होगी। 8 ग्रहों का महापरिवर्तन, एक प्रकार से देखा जाए तो कौन विजयी होता है इसमें, ऑलरेडी प्रिडिक्ट तो किया गया था कि, मतलब प्रिडिक्शन तो मैंने ऐसा किया था जिसपे भरोसा भी आप लोगों को शायद नहीं था, कि यूक्रेन पीछे नहीं हटेगा, रशिया पीछे हट जाएगा, ये मेरा कैलकुलेशन किया हुआ था। लेकिन देखते हैं कहाँ तक ये सत्य होगा, क्योंकि अभी तक युद्ध खत्म नहीं हुआ है। दूसरा प्रिडिक्शन जो है, अभी गोल्ड सिल्वर इन सब के प्राइसेस अभी भी बढ़ने ही वाले हैं, कम नहीं होगा। डिस्क्लेमर है, अपने सावधानी से इसको ट्रेडिंग कीजिएगा। क्रूड ऑयल पर भले ही आपको अभी दिखाई दे रहा है कि प्राइस थोड़ा सा कम होते हुए $100 के आसपास ये पहुंच रहा है, लेकिन ये $130 अगर ये तोड़ देता है तो सीधा $180 जाएगा, मैं आज ही बता दे रहा हूँ। अगर $130 तोड़ दिया तो 150-180 सीधा ये जाएगा, ये भी प्रिडिक्शन इसी में नोट कीजिए। देखिए
बहुत दिनों के बाद ऐसा हो रहा है कि सारे के सारे ग्रह एक ही मंथ में चेंज कर रहे हैं। बुध ग्रह तो लगभग हर महीने चेंज होता है, सूर्य का संक्रांति हर महीने होती है, इसके अलावा चंद्रमा तो प्रत्येक दिन नक्षत्र परिवर्तन करता है, लेकिन मेजर ग्रहों में जो चार बड़े ग्रह हैं राहु केतु और देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव, और शनिदेव मूल त्रिकोण में, जब भी मूल त्रिकोण में जाते हैं उसके जाने के पहले और जाने के बाद लगातार जो है युद्ध की स्थितियां बनी रहती है, ब्लास्ट 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 में बार बार बोल रहा हूं और वो चीज़ लगातार हो रहा है। मैंने सीरियल ब्लास्ट के लिए बोला था लेकिन वो सीरियल ब्लास्ट इंडिया में तो नहीं हुआ, लेकिन आप देखिए आसपास के राज्यों में अर्थात जहां पर फाइटिंग अभी चल रही है वहां पर है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट पे किसी प्रकार का कोई प्रेडिक्शन देना नहीं है क्योंकि ऑलरेडी दो बार कैलकुलेशन कर चुका था और वो फेल रहा, तो उसके बाद मुझे नहीं लगता है कि मुझे जब तक सही डेट नहीं मिलेगा बर्थ डिटेल तब तक मुझे उस पर प्रेडिक्शन करना चाहिए, लेकिन जो भी चीज़ है उसको मैं यहाँ पर अपडेट ज़रूर करता हूँ। कुछ लोग पूछ रहे हैं गोल्ड कितना ऊपर जा सकता है, तो 60,000-65,000 का लेवल ऑलरेडी गोल्ड का है, लेकिन कंडीशन है 55,000 तोड़ने के बाद, तो ये चीज़ थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। तो अभी के लिए इतना ही, और बाकी इस महीने का जो राशिफल होगा ज़रूर प्रत्येक लोग देखिएगा, कल से एक एक राशि फल स्टार्ट हो जाएगा, और जिनको भी पर्सनल कंसल्टेशन लेना है दे कैन मीट मी इन हैदराबाद, भुवनेश्वर, कोलकाता, पटना, और ये डेट हमारे वेबसाइट पे लिखे हुए हैं। तो अभी के लिए इतना ही, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर KM सिन्हा, ओम नमः शिवाय।